अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आप देख सकते हैं कि आज मेरे किचन में क्या बन रहा है। जी आज बन रहे हैं बहुत मज़े के बड़े ही मज़ेदार मसालेदार चटपटे से करेले गोश्त। अच्छा करेले गोश्त जो है ना सबको बहुत पसंद आता है। अच्छा कौन होगा जिसको नहीं पसंद होगा। मुझे तो लगता है सबको करेले गोश्त बहुत पसंद आते हैं। करेले ना मैं चने की दाल के साथ भी बनाती हूँ, बट करेले गोश्त जो है ना ये भी बहुत मज़े का बनता है। चने की दाल वाला भी ना उसमें आपने बस एक काम करना है कि चने की दाल नरम नहीं होने देनी, थोड़ी थोड़ी खड़ी खड़ी सी दाल होती है ना वो होए होए उसके जैसा तो फिर कोई सालन ही नहीं ना बनता सीरियसली। अच्छा तो जी हम मज़े से मज़े की बातें कर रहे हैं, करेले गोश्त भी बना रहे हैं, मज़े से बन रहा है खाना मेरा। साथ ही साथ कुछ अच्छी सी बड़ी मज़े की मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ। बड़ा दिल करता है मेरा आप लोगों से बात करके। अच्छा मैं ये बात कर रही थी, पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया था कि किस तरह से जो हावना होती है ना, जो भी यानी कि आजकल का टाइम पीरियड है, जिस तरह से ये ज़माना आगे चलता चला जा रहा है, हमें मैं ये बात कर रही थी कि थोड़ा सा ना जो लेडीज़ है ना, मैं बहुत फील करती हूँ कि उनको काफ़ी चीज़ों की हावना होनी होती और वो फिर उस वजह से प्रॉब्लम में भी होती हैं। ठीक है, मेरे जानने वालों में एक इस तरह से इंसिडेंट हुआ था कि एक आंटी थी और उन्हीं के देवर ने, ठीक है, जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई ना तो उन्हीं के देवर ने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स उनसे साइन करवा लिए जो ये कह के साइन करवाए कि भाई ये फ़लाँ चीज़ के हैं, फ़लाँ बिज़नेस के हैं, फ़लाँ प्रॉपर्टी के हैं, और वो बेचारी अपनी जायदाद का काफ़ी सारा बड़ा हिस्सा उन्हीं चीज़ों पर साइन करके खो बैठी। और ना उनमें इतनी हिम्मत और सख्त थी, बच्चे भी छोटे थे, कि वो आगे हो के फाइट करती, केस लड़ती या कुछ करती अपने देवर के खिलाफ। यानी इस किस्म की सिचुएशन भी औरतों को फेस करनी पड़ती है। इसलिए ना मैं तो बहुत इस चीज़ के हक़ में हूँ कि औरतों को ना कभी भी ये ना सोचें कि ये ऐसे हैं, इनको ये ना कहो, इनको वो नहीं पता होना चाहिए। क्यों नहीं पता होना चाहिए भाई, पता होना चाहिए। देखिए मैं ये बात पता क्यों करती हूँ कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से ये सारी बात करती हूँ। मैं अपना घर खुद चला रही हूँ, जिस तरह के भी हालात हों, आजकल महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा मेरा हाथ भी तंग हो जाता है, बट फिर भी किसी न किसी तरह मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। सारा काम मैं खुद करती हूँ, बिल्स, ग्रोसरी, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़। बैंक के इतने अहम अहम काम होते हैं, कई चीज़ें निकल आती हैं बैंक की कि यहाँ जाना है, ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है। इवन मैंने इस तरह से करना था कि मेरे पुराने साइन थे और आईडी कार्ड पे मैंने कोई और साइन कर, यानी कि मैंने जो मैंने अब चेंज किए हैं, फिर मुझे वो चेंज कराने के लिए जाना पड़ा। चक्कर ये वो सब करने की हिम्मत होनी चाहिए और हाव ना होनी चाहिए। मेन चीज़ हाव ना होना। हिम्मत तो इंसान किसी न किसी तरह कर लेता है कि चलो जी मैं ये काम करूँ सॉरी और मैं ये काम कर सकता हूँ, हिम्मत कोशिश कर सकता। मेन चीज़ है हावना भी तो हो कि अब करना क्या है, कहाँ पे साइन करने, कहाँ पे नहीं साइन करने। कोई फ्रॉड तो नहीं हमारे साथ हो रहा, कोई हमारे साथ मतलब ये तो नहीं कि गड़बड़ कर रहा है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। फिर इस कदर यानी कि ऐप्स आ चुकी हैं ना, इतनी तरह की ऐप्स आ गई हुई हैं कि बस जो यानी कि एप्लीकेशंस आ गई हैं उनको यूज़ करना। मेन चीज़ है बैंकिंग ऐप्स। मैंने पहले भी बताया था कि एक किसी तरह की लेडी थी और वो बैंक में आई हुई थी, वो बेचारी क्या पूछने आई हुई थी बैंक में कि मेरा बैलेंस कितना है, प्लीज़ मुझे अकाउंट में बताएं कितने पे। क्यों भाई, आपने अपनी बैंकिंग ऐप से पता कर लेना ना। आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं अपना और हर चीज़ करें और ऐप से पता करें, ऐप से बिल पे करें और हर चीज़, बहुत कुछ है। तो मुझे ना बड़ा फील होता है, मेरा दिल करता है कि मैं इस तरह से ना ये बात करूँ, बताऊँ कि प्लीज़ कुछ ना कुछ करें और हाव ना करें, अपनी अपने अंदर एक स्ट्रेंथ रखें। तो जी देखें कितनी अच्छी अच्छी मैंने आप लोगों से बातें की, मुझे बहुत अच्छा लगता है बात करके और मज़ा आता है, दिल करता है कि कोई मेरी बात सुने भी, उसको फॉलो भी करे। तो मज़े का खाना बन गया है, बहुत मज़े से हमने खाना खाया था। और जो मेरा बड़ा वाला बेटा है ना, माशाल्लाह मियाँ से नज़रें बच से बचाए बड़ा वाला बेटा, उसको करेले गोश्त मेरे हाथ का इतना पसंद है कि मैं ना परेशान हो जाती हूँ कि यार अल्लाह इतनी भी तारीफ ना ही करे, बस माँ हूँ ना तो बस ऐसे ही है। तो जी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर फॉलो। मिलती हूँ अगली वीडियो में, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।